Welcome to Modern Health and Nutrition. Please subscribe our channel and press the bell icon for more updates. Hey guys, Dr. Devendra Rathore here. Welcome to Modern Health and Nutrition. आज हम बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में. विटामिन B12 आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, उस चीज़ के विषय में आज हम बात करेंगे. तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली हेल्थ अपडेट्स आपको मिलती रहे. तो सबसे पहली चीज़, विटामिन B12 एक तरह से होता क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है. अगर हम इसके फंक्शंस देखें तो अगर हम इसका जो फंक्शन होता है, ब्लड, DNA, नर्वस सिस्टम, स्किन, हेयर, बोन्स, सब जगह इसके फंक्शंस देखने को मिलते हैं. मतलब अगर देखा जाए तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विटामिन है और इसकी कमी के कारण हमें तरह तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं. विटामिन B12 की कमी किन लोगों में सबसे ज़्यादा देखी जाती है? विटामिन B12 की कमी उन लोगों में देखी जाती है जिनको कोई पेट से संबंधित समस्या होती है, या फिर कोई लंबे समय से कोई मेडिकेशन ले रहे होते हैं, या फिर आफ्टर स्लीप गैस्ट्रेक्टॉमी, या फिर अगर ऐसी सर्जरी के बाद, या फिर कैंसर में, ऐसे लोगों में सबसे ज़्यादा देखी जाती है. साथ ही साथ अगर नॉर्मल एज पर्सन में बात करें तो वेजिटेरियन लोगों में सबसे ज़्यादा विटामिन B12 की कमी देखी जाती है, क्योंकि नॉनवेज प्रोडक्ट्स में विटामिन बी भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है. तो इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, इसकी डेफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं कि डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है. तो सबसे पहला इफ़ेक्ट आपकी जो ब्लड काउंट पर पड़ता है, ब्लड विटामिन B12 की कमी के कारण आपको परनीशियस एनीमिया हो जाता है या फिर जॉन्डिस होने की संभावना होती है. आपकी जो स्किन होती है पेल येलो दिखती है और आपको खून की कमी वाली समस्या होने की संभावना देखने को मिलती है. इसके कारण आपको माइक्रोसाइटिक एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है. विटामिन B12 की कमी के कारण दूसरा लक्षण अगर हम देखें तो इसका प्रभाव नर्वस सिस्टम पे ज़्यादा पड़ता है. नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं, निडलिंग होना, नंबनेस होना, सुन्नपन आना, हमारे पाँव में ज़्यादा सुन्नपन होना, भले ही आपको कोई तरह की न्यूरोपैथी नहीं है लेकिन न्यूरोपैथी जैसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं. इसके और अगर हम डीप में जाएं तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मूड डिस्टर्बेंस, एंजाइटी, अवसाद, OCD के तरह के सिम्टम्स, मतलब मूड स्विंग्स और इस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं जो पेशेंट इस तरह की कंडीशन से ज़्यादा प्रोन होते हैं, उन्हें विटामिन B12 की कमी के कारण अवसाद, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं. वीकनेस और फैटिगनेस, ठीक है, वीकनेस और फैटिगनेस विटामिन B12 की कमी के कारण अगर हम देखें तो आपकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है, आपको हमेशा चिड़चिड़ापन और अगर हम देखें तो डिजीनेस फील होती है, वीकनेस फील होती है, फैटिगनेस फील होती है. तो ऑब्वियसली विटामिन डी, विटामिन B12 की कमी, विटामिन B12 को रेप्लिश करने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. मोबिलिटी के बारे में बात करें तो गेट वाले जो सिम्टम्स होते हैं, गेट डिसऑर्डर होता है अर्ली स्टेज में, अगर आपको अगर देखें तो पार्किंसन, अल्जाइमर और जैसी डिसीज होने की संभावना रहती है. ओल्डर एज में अगर आपको विटामिन B12 की कमी बनी रहती है. अगर इसके बारे में और बात करें तो मोबिलिटी जो रहती है, पेशेंट्स जो पर्सन रहता है उसे मोबिलिटी वाली कंडीशन देखने को मिलती है. विटामिन B12 की कमी के कारण एनीमिया होता है और एनीमिया के लक्षण कभी कभी नहीं दिखते हैं, उस कारण से पेशेंट को ब्रेथलेसनेस और डिजीनेस भी एक तरह से विटामिन B12 की कमी का एक लक्षण देखा जाता है. इसके बाद अगर हम बात करें माउथ अल्सर, ग्लोसाइटिस, अगर हम देखें पेट में और माउथ में अल्सर हो जाते हैं तो आपने ज़रूर सुना होगा कि विटामिन B12 दे दीजिए, उससे आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है और मैक्सिमम लोग बिकासुल लेकर उसे ठीक कर लेते हैं. अगर हम इसके बारे में और आगे बात करें तो आंखों से संबंधित बीमारियां भी विटामिन B12 की कमी के कारण हो सकती है. आपका मूड स्विंग होना मैंने आपको बता ही दिया, साथ ही साथ आपका जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वो भी बढ़ा हुआ मिलता है कुछ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में. अब हमने बात कर ली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इसे भरपूर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो किस तरह से आप इसे करें. तो वेजिटेरियन भी लोग इसे विटामिन B12 को अपनी डाइट के थ्रू अच्छे से ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप मेनली आप अपना कॉज पता करें. सीलिएक डिसीज़ होती है, उसके अंदर आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो उस वाली कंडीशन में हाई डोजेज में विटामिन B12 लेना पड़ता है. अब एक माइनर सी चीज़ बात कर लेते हैं, विटामिन B12 किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है. विटामिन B12 जो होता है, जितने
जितने भी नॉन वेज प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें पाया जाता है। वेजिटेरियन लोगों के लिए बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स, जितनी भी दालें और जितने भी अगर हो सकती हैं नट्स, उनमें विटामिन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। इसलिए आप विटामिन अगर आप लेना चाहते हैं तो इन सब नेचुरल सोर्सेज पर आप ध्यान केंद्रित करके आप ये सब डाइट आप ले सकते हो। किसी दिन इस विषय में और ज़्यादा बात करेंगे डाइट के बारे में, अभी आज के लिए बस इतना ही। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के होने वाली बीमारियों के बारे में चर्चा करी, आप इसका कारण पता लगाएं और फिर हमें बताइए और किस कारण से आपको ये प्रॉब्लम हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर पूछ सकते हो। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि आने वाली हेल्थ अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज और जय हिंद।